नमस्कार, मैं प्रियंका दीपक दबड़े हूँ। मैं डेफ एंड डम हूँ। मैं महाराष्ट्र स्टेट में पूना डिस्ट्रिक्ट में रहती हूँ। मैं बचपन से फर्स्ट से लेके टेंथ तक मैं नॉर्मल और डेफ बच्चों में यानी इंटीग्रेशन स्कूल में पढ़ी हूँ। मैं कॉलेज में नॉर्मल बच्चों में फैशन डिज़ाइनिंग गारमेंट टेक्नोलॉजी डिप्लोमा प्लस डिग्री मैंने नॉर्मल बच्चों के साथ मैं पढ़ी हूँ। बट मैं जब बचपन में नॉर्मल बच्चों से खेलती थी या उनके साथ कुछ साथ में जाती थी, तब वो मुझे चिढ़ाते थे और मुझे उसका बहुत दुख होता था। मैं रोती थी और मैं आने के बाद मैंने सोच लिया कि मैं ऐसा कुछ काम करूंगी जो मुझे और मेरी फैमिली को प्राउड करे। मैंने कॉलेज में और स्कूल में जो सीखा, अलग अलग फैशन डिज़ाइनिंग, अलग अलग कोर्सेज, ड्राइंग, क्राफ्ट और मेहंदी, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज मैंने पूरे किए और अच्छे उसमें मार्क्स मिले। मैं उसके बाद मैं जब बाल कल्याण जो रिहैबिलिटेशन सेंटर है दिव्यांगों का, वहाँ मेरी पहचान अच्छे अच्छे टीचर्स के साथ हुई और मेरा जो सब काम था वो उन्होंने देखा और मुझे ड्राइंग और एम्ब्रॉयडरी के लिए चुन लिया। मैं फिर कंपटीशन के लिए कॉलेज, पढ़ाई, घर का काम, एग्जीबिशन, ये सब करके मैं कंपटीशन की तैयारी बाल कल्याण के टीचर्स के साथ करने लगी और उन्होंने मुझे बहुत सारी हेल्प की। मैं जब इंटरनेशनल के पहले 3 बार मैंने नेशनल किए हैं, उसमें पहले मैंने सीखा ज्वेलरी, फिर मैंने चांदी में ज्वेलरी करके मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया दिल्ली में, लेकिन आगे नहीं जा सके। बाद में मुझे पता चला कि मैं मेरा फैशन डिज़ाइनिंग का एजुकेशन जो मैंने पूरा किया है उसमें मैं ज़्यादा काम कर सकती हूँ और मैंने ये ट्रेड छोड़ के मैंने एम्ब्रॉयडरी का ट्रेड मैंने चुन लिया और उसमें मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया और मैं फ्रांस इंटरनेशनल के लिए सिलेक्ट हो गई। फ्रांस में मैंने पूरी दुनिया के जब लोग देखे और कॉम्पिटिटर्स देखे तो मुझे बहुत पहले डर लगा, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं इंडिया के लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे लिए कुछ करके जाऊंगी, खाली नहीं जाऊंगी। और वही उम्मीद मुझे मेरी सिल्वर मेडल के लिए मैं चुन गई, लेकिन मेरा फर्स्ट नंबर खाली 2% से चला गया, लेकिन मुझे उसके साथ सिल्वर मेडल के साथ इंडिया को मैंने एक्सलेंस पुरस्कार, जो पूरी 27 देशों में एक ही महिला को मिला, और मैं इंडिया के लिए सेकंड मेडल हासिल कर सकी। मेरे 2 मार्क्स कम पड़े गोल्ड मेडल के लिए, लेकिन सेकंड प्राइज मिलने की वजह से मैंने वो कमी पूरी की और उसी वक्त मैंने सोचा था कि आगे जाके इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेके ही आना है। और आते ही मैंने उसकी मैंने तैयारी शुरू की और ये सब करने के लिए मुझे फैमिली का बहुत सपोर्ट मिला। मेरे मामा मामी, नाना नानी, मेरी मौसी, काका, मेरा भाई, माँ का तो मेरा बैकबोन था, ये सब ने, मेरी बचपन के टीचर्स ने लेके कॉलेज के टीचर्स तक मुझे बहुत सारी हेल्प मिली। बाल कल्याण पुनर्वसन केंद्र जो है वहाँ पे मिनीता पाटिल, सुभाताई, ये भी उन्होंने मुझे बहुत मदद की। और सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल के लिए जो दिल्ली के टीचर थी, मुझे गाइड थी, मेरी मेंटोर थी सिमी मैम, डॉक्टर भगत, उन्होंने लीशा मैम के साथ मेरे 2 साल के लिए इतना मेरे से तैयारी की और मुझे ये मेडल मिला। लेकिन मुझे मेरी ज़िंदगी का पीछे का जो पार्ट है, जब मैं 7th स्टैंडर्ड में थी तब मेरे पापा गुजर गए और मेरी फैमिली में बहुत सारी दिक्कतें आई, लेकिन मेरे माँ ने मुझे ऐसा हौसला दिया कि मैं जब तक पढ़ूंगी जो करना चाहती हूँ कर लेना है और जो हासिल करना है, जो मैंने सोचा है वो ठान लेना है। और उसके लिए मुझे जो भी चीज़ चाहिए वो परिस्थिति की वजह से
मिला नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं, क्योंकि मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट करते थे। मैं बहुत प्राउड करती हूँ मेरी फैमिली से, और मेरे सब मेरे ज़िंदगी में जो आए मेरे साथ मदद करने या सिखाने, उनके लिए भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं ये सब करने के बाद मैंने स्कूल में टीचर की नौकरी की, नॉन ग्रांटेबल थी, लेकिन मैंने वो जॉब शुरू किया क्योंकि उससे मेरे फैमिली को थोड़ा मदद होने का। मुझे 2024 के लिए नेशनल सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग का अवार्ड मिला, ये मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल और प्राउड की बात है। मैंने जितना मेहनत किया, जितना ऊपर देखा, वो मुझे हासिल किया मैंने, इसकी मेरे फैमिली के लिए और मेरे लिए बहुत। 2027 को होने वाली इंटरनेशनल एबलम्पिक की मेरी तैयारी, मेरी स्कूल की पढ़ाई, खुद की पढ़ाई, स्कूल टीचिंग का जॉब, घर का काम करके मैं इंडिया के लिए प्राउड कर फील करने के लिए तैयार हूँ, और मुझे गोल्ड मेडल लेके आना है, ये मेरा वादा है। जय हिंद, नमस्ते।